टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। बिग बॉस सीजन 14 में एक से बढ़कर एक टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि बिग बॉस को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है और वो बिग बॉस के दिए हुए सरप्राइज को काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आई है कि बिग बॉस के घर में खेल पलट गया है। तूफानी सीनियर्स के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान घर में पहुंचे थे। दो हफ्ते घर में रहने के बाद अब उनके घर के बाहर होने की बारी आ गई है। अब ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इन तीनों के बाहर हो जाने के बाद बिग बॉस के घर में नए सीनियर्स की एंट्री होने जा रही है। बिग बॉस सीजन 14 में नया ट्विस्ट लाते हुए एक्स कंटेस्टेंट्स को सीनियर बनाकर घर में लाया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान को बिग बॉस हाउस में कुछ दिनों के लिए लाया गया था। तीनों सभी फ्रेशर्स कंटेस्टेंट्स को कंफर्म करने की अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके साथ साथ इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और फ्रेशर्स के साथ काफी अच्छा कोऑर्डिनेट किया है। हालांकि इन तीनों के व्यवहार को लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। इस बीच खबर आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान को बिग बॉस हाउस से बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये तीनों बिग बॉस हाउस में जिम्मेदारी अपनी खत्म कर चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की तो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो ऑरेंज कलर के आउटफिट में बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो बिग बॉस के घर के बाहर हैं। आपको बता दें, तीनों सीनियर्स के 15 दिन तक बिग बॉस के घर में रुकने की खबरें आई थी। ऐसे में उनका समय तो पूरा हो चुका है। जिन नए तूफानी सीनियर्स की बिग बॉस के घर में एंट्री हुई है, उसमें आसिम रियाज, रश्मि देसाई और पारस छावड़ा का नाम शामिल है। ये तीनों ही कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स हैं और इन तीनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। यही कारण है कि ये तीनों अपनी परफॉर्मेंस के दम पर आगे तक पहुंचे थे। आसिम रियाज ने तो सिद्धार्थ शुक्ला को फाइनल में भी टक्कर दी थी। वो बात अलग है कि बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने में सिद्धार्थ शुक्ला कामयाब रहे थे। लेकिन एक बार फिर से रश्मि देसाई, आसिम रियाज और पारस छाबड़ा बिग बॉस के घर में नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ बिग बॉस में इस समय हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और टास्क दे रहे हैं। ऐसे में इन तीनों का बाहर हो जाना वाकई में बिग बॉस के घर में बड़ा ट्विस्ट आएगा। अब देखना होगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। पिछले एपिसोड में सलमान खान ने कहा था कि दो दिनों में कंफर्म कंटेस्टेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस की शूटिंग दो दिन आगे चल रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि सीनियर बदले जा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बिग बॉस के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर होगी। फिलहाल तो बिग बॉस के घर में इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान अपनी अपनी टीमों को संभालते हुए दिख रहे हैं और आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें वायरल हो रही हैं, वो तो कुछ और ही बयां करती हैं। आपको बता दें, इस समय बिग बॉस अपनी टीआरपी को लेकर काफी ट्रोल हो रहा है। यही कारण है कि मेकर्स के ऊपर बिग बॉस की टीआरपी को बढ़ाने का काफी प्रेशर है और वो कुछ भी नया करके बिग बॉस के फैंस को एंटरटेन के साथ साथ टीआरपी को बढ़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये नया ट्विस्ट जो आया है वो टीआरपी को लेकर ही आया है। हालांकि आने वाले टाइम में बहुत सारे सरप्राइज बिग बॉस के फैंस को देखने को मिलेंगे। फिलहाल नए सीनियर्स बिग बॉस के घर में क्या धमाल मचाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फैंस को नए सीनियर्स का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि नए सीनियर्स के आने से बिग बॉस के घर में फ्रेशर्स कंटेस्टेंट्स के बीच में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। अब ये क्या कुछ नया होगा, इसके लिए आज ही हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब, ताकि आप बिग बॉस की हर अपडेट से रह सकें अपडेट। इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।